TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करो और जल्दी 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 सीखते जाओ। ऑपरेशनली एक दो, जो मेरा पहला ऑपरेशन था जब मैं कश्मीर गया था, सो वो मैं कभी भूल नहीं सकता कि मेरे टीम कमांडर थे करण संग्राम सिंह, शौर्य चक्र, नाउ ही इज़ नो मोर, गॉड ब्लेस ही सोल, लाइक अमेजिंग सोल्जर, ही वॉज लाइक माई फर्स्ट मेंटर in Kashmir, and later on like he became my elder brother. So mentoring कैसे होती है? मतलब mentoring जब कोई एक नया soldier आता है, field में आता है, operation में जाता है, तो जो आपके senior होते हैं वो आपको guide करते हैं कि कैसे operation में मतलब कि on the spot कैसे आप decision लेते हो और कैसे आप अपना मनोवर्ष जो है उसको change करते हो ताकि आपकी जान बचे, आपके साथियों की जान बचे और जो दुश्मन जो टेररिस्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। सो क्योंकि उनका पहले का एक्सपीरियंस होता है, जब आप अपने ऐसे ऑपरेशंस कर रखे होते हैं तो ये आपको लगभग थोड़ा एक आइडिया होता है कि ऐसे फेज में ऐसे ऐसे होता है। और जब एक नया आदमी होता है जिसने कभी वैसे आप टर्निंग में कितनी भी गोलियाँ चलाओ, लेकिन जब सामने टेररिस्ट होता है और उसका एक अलग ही कहना चाहिए मज़ा, या अलग ही एक नशा, एक अलग ही जोश, या अलग ही एक अलग फीलिंग होती है कि सामने जब टेररिस्ट है, जब आपका उनके सामने राब्ता आमने सामने होता है तो वो एक अलग है। तो जब मेरा फर्स्ट ऑपरेशन जो करण संग्राम थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सनी चलेगा तो ऑपरेशन? मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल। मैंने कहा सर ज़िंदगी में मैंने टेररिस्ट सामने नहीं देखा अभी तक, देखना है मेरे को। तो बोला फिर देखना क्यों है, जब सामने होगा तो मारना भी है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल मारेंगे। तो हम 3 दिन का, वैसे 2 दिन का ऑपरेशन था, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई और हम उस टारगेट तक, जहाँ हमें पता था कि जहाँ हाइड आउट है टेररिस्ट का पाकिस्तान बॉर्डर पे, कि वहाँ पे हमें खबर मिली कि वहाँ पे उनका हाइड आउट है, वहाँ पे वो लोग हैं। तो हमें जहाँ 2 दिन में पहुँचना था वो हम नहीं पहुँच पाए, और जो गाइड था वो भी रास्ता भूल गया क्योंकि बर्फ़ पड़ गई। तो सारे जो नेविगेशन के जो भी थे कि यहाँ पे ये रास्ता है, नाला है, वो सब बर्फ़ से ढक गए। तो हमें समझ में नहीं आया कि शायद हम सही जगह हैं, गलत हैं, लेकिन हम इतना आगे आ गए थे कि हमें फिर पता भी नहीं चल पा रहा था कि क्या बॉर्डर क्रॉस कर गए या इधर ही हैं अभी। फिर अचानक मतलब सुबह जब मॉर्निंग में जब हम वापस आने का सोच रहे थे कि शायद रास्ता भूल गए हैं, तो अचानक हमें जंगल में एक जगह मतलब आग, मतलब होता है ना धुआं, दूर से धुआं दिखा। तो जो एक जवान थे उन्होंने आगे बोला कि साहब उधर है ना धुआं दिख रहा है। तो फिर हमें समझ में आ गया कि इस जंगल में जहाँ पे मतलब कोई है ही नहीं, इतना दूर हम सिविलाइजेशन से आ गए हैं, जो नियरेस्ट जो गांव थे वहाँ से भी हम कम से कम मतलब 30 किलोमीटर के आसपास बाहर जंगल में हैं। तो अगर यहाँ धुआं है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पक्का ही टेरर हाइड आउट है। तो फिर हमने हमारी टीम को सर ने 2 हिस्सों में टुकड़ों में किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करके सर ने मेरे को कहा कि तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरा बड्डी रहेगा। तो मैंने, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन था तो मैं सर के साथ चल रहा था, तो वो एक पहाड़ी के ऊपर जो उनका हाइड आउट था, तो मैं कर्नल संग्राम के साथ था। संग्राम सर की जो टीम थी, हम ऊपर से गए और एक नीचे, हमने नीचे लगाया, एम्बुश लगाया यू शेप में, कि अगर ऊपर से भाग के आएगा तो नीचे फंसेगा। तो ऊपर गए तो हम धीमे धीमे, जो नीचे वाली टीम थी वो तो फटाक से ही पहुंच गई क्योंकि पहाड़ में उतरना आसान होता, चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता। तो हमें दूर से मनोवर करके जाना था ताकि उनको पता भी नहीं चले कि फ़ौज आ गई। तो हम 1.5 घंटा लगा हमें और हम उनके हाइड आउट के पास पहुंच गए वहाँ पे। तो फिर एकदम जब नज़दीक आ गए तो ये समझिए कि मतलब 50 मीटर दूर उनका जहाँ वो हाइड आउट है, वहाँ से अंदर उनकी आवाज़ आ रही थी और कुछ पाकिस्तानी गाने से बज रहे थे और वो कुछ खाना वाना कुछ बना रहे थे अंदर। तो हमने अलग अलग पेड़ों के नीचे हमारे जो बडीज़ में हम सब लोग बैठ गए और हम नीचे हमने रेडियो से मैसेज दिया कि अभी हम जब हम करेंगे तो आपको बता देंगे कि तब ध्यान रखना आपको कि ऊपर से तब नीचे रोल डाउन होगा उनका, वो नीचे की तरफ जाएंगे। मतलब आपका और एक आपके साथ एक साथी थे अलग पेयर्स में, जैसे हमारी जो टीम थी, टीम के 2 टुकड़े किए हमने। पहाड़ के ऊपर ढलान पर उनका हाइड आउट था तो हमने टीम के 2 टुकड़े किए। टीम का आधा हिस्सा हमने पहाड़ के नीचे लगा दिया कि अगर भाग के ऊपर से आएंगे तो आप में फंस जाएंगे वहाँ पे। है ना, एम्बुश कर देना आप। और दूसरी जो है हमारी जो टीम है आधी टीम, वो हम ऊपर से आएंगे ताकि उनके ऊपर जब हम फायर करेंगे तो नीचे की तरफ भागेंगे, कोई चारा नहीं उनके पास। तो फिर हम ऊपर से धीमे 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 उनके जब नज़दीक पहुंच गए तो हमें उनकी आवाज़ें सुनने लग गई। और तब भी हमें पता नहीं था कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई लोकल आदमी कोई, लेकिन लोकल का हमें 99% तो यही था कि टेररिस्ट ही हैं। फिर अचानक देखा कि अंदर से 2-3 बंदे बाहर निकले जिनके हथियार लटक रहा था कंधे पे और वो बातें कर रहे थे, तो लेकिन आवाज़ ज़्यादा थी। तो इसका मतलब हमें था कि कम से कम शायद 8-10 लोग हैं अंदर। तो सर ने कहा कि थोड़ा वेट करते हैं कि कम से कम बाहर 4-5 लोग तो आएँ तब हम फायर खोलेंगे। तो अचानक एकदम बिल्कुल यंग, मे भी 19-20-21 साल का होगा लड़का, तो वो हथियार लेके वो नीचे पानी भरने के लिए नीचे गया। नीचे जा रहा था तो 1-2 बंदों ने जो उसकी साइड में थे उन्होंने कहा साहब क्या करें, नज़दीक जा रहा है आ रहा है मतलब। तो उन्होंने कहा कि जब तक आपकी तरफ नहीं आता तो फायर नहीं खोलना है, क्योंकि अपना एम है कि मैक्सिमम टेररिस्ट को मारना है, अदरवाइज़ अभी इस पर फायर कर दिया तो जो सरप्राइज़ है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो फिर वो बंदा पानी भर के उधर से आया, आते आते तो मेरे साथ संग्राम सर खड़े थे, तो एक बहुत बड़ा चीड़ का पेड़ था उसके पीछे हम दोनों बैठे थे। तो मैं बैठा था, सर खड़े हो गए अचानक, खड़े होकर वो पेड़ के साइड से बाहर निकले और उन्होंने एक ज़ोर से सीटी मारी, ऐसे ज़ोर से सीटी मारी। तो सीटी मारते सर वापस पेड़ के पीछे आ गए। तो सीटी मारते ही जो बंदा था वो चारों तरफ एकदम रुका, उसने बाल्टी रखी और उसने चारों तरफ देखा कि आवाज़ कहाँ से आई, क्योंकि पहाड़ था तो पहाड़ में बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन जो झरना होता बहता पानी गिरता उससे वो बाल्टी भर के लेके आ रहा था। तो उसने चारों तरफ देखा कि आवाज़ कहाँ से आई, तो वो मतलब चारों तरफ घूमा, उसको समझ नहीं आया कि कहाँ। फिर उसने वापस बाल्टी उठाई और वो चल पड़ा। वो जब दोबारा चला तो सर फिर पीछे, संग्राम सर पीछे फिर साइड में हुए, उन्होंने फिर ज़ोर से एक बार सीटी मारी और आवाज़ ही होई ऐसे किया और फिर वापस पेड़ के पीछे आ गए। पेड़ के पीछे आ गए तो वो जो जो आवाज़ दी उन्होंने है, तो वो जो शायद गेट के ऊपर भी 2 बंदे थे उनको भी थोड़ा सा लगा कि शायद कोई और किसी आदमी की आवाज़ है, तो वो भी अंदर से 2 बंदे इतने में बाहर निकले। और ये बंदा जो वहाँ जो जा रहा था साइड में, ये अचानक हमारी तरफ मुड़ गया। इसको पता नहीं था कि हम पेड़ के पीछे हैं, लेकिन ये हमारी तरफ मुड़ गया। तो मतलब वो जस्ट थोड़ी बर्फ़ पड़ी थी, अदरवाइज़ तो वो शायद मेरे को लगता है कि शायद 10 सेकंड भी नहीं लगते वो नज़दीक आ जाता, लेकिन बर्फ़ पड़ी हुई थी, उसके पैर बर्फ़ में धंस रहे थे। तो सर ने मेरे को रेडियो सेट पे भी और मेरे को पैर से ऐसे टच करके कहा कि सनी आ रहा है, नाउ यू फायर। मतलब कि आपने कहा नहीं देखा, ये देखो सामने हथियार लेके आ रहा है मतलब। तो मैं जब तक ऐसे तैयार होता तो मेरा जो एक था वो सिंगल शॉट की जगह बस्ट पे हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि उस समय ध्यान में नहीं रहा मेरे को। और वो एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, काफ़ी चीज़ें, फर्स्ट ऑपरेशन था मेरा लाइफ का। तो अचानक वो बंदा जब आते आते बिल्कुल जब सामने आएगा तो सर ने कहा फायर। तो जो ही सर ने बोला फायर तो उस बंदे को भी सुन गया। तो उस बंदे ने ऐसे मेरे मतलब हम आमने सामने से ही हो गए, जस्ट मैं ये समझिए कि मतलब 15 मीटर 20 मीटर दूर था, लेकिन हम पेड़ के पीछे थे। तो उसको मेरा साइड दिख गई, मेरी यूनिफॉर्म दिख गई कि बंदा है। तो उसने अपना ऐसे हथियार उठाया, तो इतने में मैंने हथियार उठा के मैंने जब फायर किया तो वो एक की जगह सारी गोलियाँ सब निकल गई बाहर। तो उसके कुछ नीचे से निकलती बाकी कुछ ऊपर निकल गई। और मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी गोलियाँ क्यों नहीं चल रही, क्योंकि जितनी गोलियाँ थी वो एक बस्ट में निकल चुकी थी सारी की सारी। और उसी वक्त गेट के ऊपर जो 2 बंदे खड़े थे, तो हमारी जो टीम थी उसने उन पर फायर किया, तो उनको दोनों को गेट पे गिरा दिया। बाकी 2-3 बंदे जो थे नीचे की तरफ भागे, वहाँ नीचे फंस गए। तो मतलब लेकिन जब फर्स्ट ये बंदा गिरा नीचे तो फर्स्ट 20 सेकेंड मेरे को ऐसा लगा कि फक मैन, तू डॉक्टर है यार, तेरा काम लोगों को बचाना है और तूने मतलब You literally killed a man. मतलब लाइक फर्स्ट 20 सेकेंड आई रियलाइज ऐसे। और तब मैं मेरे हथियार के साथ भी स्ट्रगल कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आया कि गोली क्यों नहीं चल रही है। बाद में मेरे को ध्यान में आया कि सारी निकली, तो फिर मैंने दूसरी मैगजीन निकाल के लगाई। लेकिन मतलब मैंने शायद 2 बार सोचा हुआ ऐसा कि मेरे को अटपटा लगा, मतलब पहले शायद 10-12 सेकेंड, लेकिन तभी मेरे को रियलाइज़ हुआ मतलब। और वो रियलाइजेशन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रियलाइजेशन था, और वो अभी भी मेरे साथ है कि हथियार तो इसने उठा रखा था ना, हथियार इसने उठा रखा था और मेरी तरफ पहले हथियार इसने कर रखा था। और ये तो आतंकवादी है, ये पाकिस्तान से आया हुआ है यहाँ पे, ये हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए लगा हुआ है, ये मेरे देश को ख़त्म करना चाहता है, ये मेरे कश्मीर की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनका रेप करता है, ये बच्चों को मारता है, सोडोमाइज़ करता है। और मुझे ऐसा क्या गम लग रहा है भाई कि मैंने आदमी को मार दिया, ये आदमी थोड़ा ना था, आपका धर्म है ये तो मेरा धर्म है। और मतलब मैंने गलत क्या किया है, मैंने बिल्कुल सही किया है। और उसी वक्त जो संग्राम सर थे उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने कहा कि जो तू सोच रहा है ठीक सोच रहा है, जबकि मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। मैंने बाद में मेरी बात हुई उनसे कि मैंने कहा सर आपको क्या मालूम चला, बोला ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। वी आर ह्यूमन बींग, ये हमारी परवरिश है हिंदुस्तान में, हर घर में परवरिश है, ये हमारी सभ्यता है कि हम बेगुनाह को छूते नहीं हैं। लेकिन वो जो मेरा रियलाइजेशन हुआ कि मतलब कि नहीं, कोई भी आतंकवादी है उसको मारना हमारा धर्म है, उसमें वो आदमी है ही नहीं वो, और मरने के बाद में फिर वो आदमी है, क्योंकि फिर उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जिस काम के लिए वो आया था वो मेरे देश के खिलाफ है, और जिसके लिए मेरा एग्जिस्टेंस है उसके वो खिलाफ है, तो फिर मुझे कोई मतलब गम नहीं होना चाहिए, और नहीं हुआ। वो मेरा मतलब वो जो 10-12 सेकंड का है वो एक बड़ा सवाल मेरे जहन में आया। और लोग बोलते हैं कि डर नहीं लगता, है ना, बोलते हैं लोग डर नहीं लगता, और झूठ बोलते हैं लोग। ये जो ये बोलता है उसको बिल्कुल डर नहीं लगता, और कि कभी लगा ही नहीं, वो झूठ बोल रहा है। डर लगना लाजमी है, लगना चाहिए। फिर डर को ओवर पावर कैसे करते हैं वो बहादुरी है, और स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट एब्सोल्युटली। और जो स्पेशल फोर्सेस जो माइंडसेट है वो आपको कंटिन्यूअस इम्पॉसिबल और डर से ही लड़ना सिखाता है। जो इम्पॉसिबल है वो, और जो डर को कैसे ओवर पावर करना है उससे ही लड़ना सिखाता है। अनसर्टेनिटी होती है, उसमें थोड़ा फियर होता है, और वो फियर जरूरी है। द मोमेंट आप में थोड़ा सा फियर है, आप अलर्ट रहते हैं, आपके जो सारे सेंसेस हैं वो इतने एक्टिव होते हैं, वो सुपर फास्ट काम करते हैं, वो आपको आपकी सुरक्षा करते हैं, आपके साथियों की सुरक्षा करते हैं, और टाइमली आपको बेस्ट या बेटर जजमेंट लेने के लिए आपको बाध्य कर देते हैं वो। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए और आप कहें नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, गोली आ रही है, बकवास। गोली पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, जो सामने आएगा उसको लेके जाएगी, चाहे रणवीर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हाफिज सईद हो, कोई भी हो, जो सामने आएगा उसको वो अपने साथ लेके जाएगी। बात खत्म, इट्स ओवर।